भी बोलूंगा कि मल्टी डायमेंशन डायमेंशन सोल्यूशन ले इसका। प्रेम जी इन है कि बीजेपी डिफेंसिव में है, तो जैसे डिफेंसिव में है तो ये इस गठबंधन की एक तरह से नामकरण करने में ये जीत हुई। मिश्रा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं तीन पार्ट में इसकी एनालिसिस करूंगा। पहला हाँ, लेकिन इतना ज्यादा डिफेंस समय भी नहीं कि वो मेरा समय खत्म हो जाए। नहीं, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। जो इन्होंने इंडिया बनाया है ना, इंडिया बनाते ही ये इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लिया है। और क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो भारत में है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती हैं, वहां क्लियर कट ये लिखा गया है कि ऐसा कोई नाम या एब्रिविएशन आप यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिया भी उसी कैटेगरी में आता है। जैसे कोई सेना का नाम आप लेना चाहें तो वो नहीं होगा। इंडियन मिलिट्री के नाम पे कोई पार्टी बना दे इस तरीके से करके, नहीं होगा। भारत जो लोग सब बहुत सारे पत्रकार दे रहे हैं, इंडिया टीवी है, ये है, वो है, 50 जगह लगा हुआ है, उन मूर्खों को मैं बताना चाहूंगा, सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से मतलब बदल जाता है। ठीक है, फलाने फलाने ऑफ इंडिया तो आप लिख सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो आप लिख सकते हो। केवल इंडिया अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब है आप मालिकाना हक इंडिया के ऊपर दिखा रहे हैं। ये नेचुरल और संवैधानिक पेटेंट है संविधान का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वर्ड। तो ये जैसे ही रजिस्टर कराने के लिए जाएंगे या इलेक्शन कमीशन होगा, इस पे रोक लगा देगा कि ये चीज से आप नहीं कर सकते हो, पहले आप मिश्रा जी इसको एक सेकंड, मैं बदलिए। आपको रोकना नहीं चाहता था। ये कोई रजिस्टर नहीं उन्होंने कराना, नंबर वन। नंबर टू, मैं भी लॉ के बारे में जानता हूँ जो आप बात कर रहे हैं, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आई इसकी एब्रीवेशन है। आई फुल स्टॉप, हाँ एन फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, आई फुल स्टॉप एंड ए फुल स्टॉप। सो ये इंडिया जो है ये सिर्फ आपको आपको कहने में सुनने हाँ तो में ठीक है, है, आप लेकिन ये कह इसका रहे ठीक इसका है। कोर्ट में आप देख लेना, नहीं, अब कोई आप सुन भी लीजिए। कोर्ट में नथिंग विल हैपन। नहीं, बिल्कुल होगा, मेरे वर्ड्स को आप नहीं, रखिएगा, मेरे भी क्योंकि वर्ड, आप आपके इंडिया मत, मेरे वर्ड्स भी मैं रखिए। बिल्कुल रखूंगा। हाँ, आप इंडिया मत बोलिए, आप उसको ऐसे प्रोनाउंस करिए, आई फुल स्टॉप डी, अब एन एन फुल स्टॉप डी ऐसे फुल नहीं कोई स्टॉप बोलता आई होता, फुल वर्ड्स स्टॉप ऐसे नहीं ए, बोले नहीं जाते। ऐसे ये, नहीं, बिल्कुल मनाही है डॉक्टर साहब, ये मनाही है। अरे पीपल्स देख लेना, रिप्रेजेंटेशन कुछ एक्ट नहीं है। पढ़िएगा, मैं ये बोल कोई एक मतलब। एक हाँ शब्द, जी ए देख डॉट के डॉट मिश्रा। नहीं, वो आप बोलिए ए डॉट के डॉट मिश्रा बोलिए, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नहीं आता है, ये ग्रामर का सब्जेक्ट है। ए के मिश्रा या पी कुमार, प्रेम कुमार, पी डॉट कुमार, हाँ, ये इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है कि मैं अपने घर के सामने बोर्ड लगा देता हूँ, प्रेसिडेंट हाउस, आप जरा लगा के देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगा करके लगा अच्छा देता चलिए हूँ, मिश्रा आप जी, ये देखिए। तो कोर्ट डिसाइड करेंगी, आपने, मैंने डिसाइड नहीं करना, अच्छा, दूसरी लेकिन चीज, आगे हाँ, अब चलिए। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। हाँ ठीक है, इस पे जो प्रेम कुमार जी और आपने बोला वो सही है, बीजेपी यहाँ पे डिफेंडिंग मूड में आ गई है। वहां के मुख्यमंत्री ने तुरंत हटा करके इंडिया की जगह भारत लिखा, भारत लिखा तो भी डिफेंड नहीं कर पाया। मैं होता तो मैं तो क्वेश्चन पूछता, भाई मेरा मन है इंडिया की जगह मैंने भारत कर दिया, तो इसमें विपक्ष को क्या ऑब्जेक्शन? जैसे विपक्ष पूछ रहा है कि भाई इंडिया हटा के भारत क्यों किया, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए बीजेपी को कि मैंने भारत कर दिया तो आपको क्या ऑब्जेक्शन कहाँ है, ये कहाँ गलत कहाँ है, कहाँ ये से चीज हटाओगे? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो स्टार्ट इंडिया वर्ड से होता है, सर। प्रेसिडेंट ऑफ आप इंडिया, यहां, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नहीं, आप इंडिया। इंडिया, नहीं, आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, अगर हिंदी में अगर आप ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं है, देखेंगे, इंडिया। नहीं, हिंदी वर्जन में भी लिखा है, हिंदी वर्जन में भारत का संविधान लिखा हुआ है। आप भारत की संविधान हिंदी वर्जन की लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में लिखा है भारत का संविधान। हिंदी की बुक में ये नहीं लिखा है कि संविधान ऑफ इंडिया, ये नहीं लिखा हुआ है। तो ये ग्रामर और लॉ की चीजें हैं, खैर छोड़िए इसको। दूसरा पॉइंट, बीजेपी इस पे बैकफुट पे थी, स्ट्रेटजिक ये नहीं मैनेज कर पाए। उन्होंने भारत लिख दिया था तो काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था कि भारत से क्या आपत्ति है, अगर मैंने इंडिया की जगह भारत बदल दिया तो इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है, मेरा क्वेश्चन है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, 26 पार्टियां हैं, 26 पार्टियों में कौन पार्टी कितना सेक्रीफाइस करेगा, जो पार्टी बहुत स्ट्रांग है, इस पे कई बार पहले भी बात हो चुकी है, वो क्यों करेंगे? वो तो बोलेंगे, ममता बनर्जी तो बोलेंगी, भाई हम तो सारी सीटों पे लड़ेंगे, हम बंगाल में नहीं देंगे, बंगाल के बाहर आप कर लीजिए, कितनी सीटें किसको मिलेंगी? और 1:1 का जो है कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाए, ये इनके लिए यक्ष प्रश्न है। अगर इस यक्ष प्रश्न का जवाब विपक्ष ने दे दिया, 26 पार्टियों ने मिल
पहले तो ये इंडिया शब्द से जूझ ले, अभी आप शांत रहिए, हम शांत हैं एकदम, जब इलेक्शन कमीशन गजट करेगा डेट। अरे वहाँ इंडिया इलेक्शन कमीशन का मतलब ये थोड़ा कि वो वहाँ जाके इंडिया कह रहे हैं कि हम इंडिया की तरफ से लड़ रहे हैं, वो तो उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना है, वो इंडिया के नाम पे नहीं लड़ना, अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजों का यूज करना, जैसे रुपए पैसे का यूज करना इलेक्शन कमीशन ने मना किया है कि इससे ज्यादा आप पैसे यूज नहीं कर सकते, पैसे का लालच दे के या कुछ ऐसा लालच दे के आप प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ शब्दों को बोल करके आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन उठेगा वहां पे, और उठने शुरू हो गए हैं, FIR वगैरह हुए हैं। दैट हैज नो मीनिंग। प्रेम जी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये FIR मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, इट हैज नो मीनिंग, मैंने पढ़ा। देखिए अगर इस नाम से कोई निर्वाचन आयोग में कुछ लिखित में कुछ होता है तब भी एब्रिविएशन के साथ ही होगा, और एब्रिविएशन के साथ वो टेक्निकली उस दायरे में आएगा ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन थोड़े देखेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया नाम से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है, कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है, जैसे UPA नाम से नहीं लड़ा गया था। कंस्टिट्यूएंट जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी पार्टी के लोगों को देंगे, तो इसलिए कहीं से लीगली, और ऐसा नहीं है कि इंडिया नाम रखते हुए कांग्रेस के की लीगल टीम ने इस पर वर्कआउट नहीं किया है, है ना, वर्कआउट किया है। मिश्रा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्रेम कुमार जी और विपक्ष से पूछता हूँ, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। देखिए एक बोलते है ना, पैर पे पानी मारना, गले पे मारना, इन्होंने तो सर पे मार लिया। मैं पूछता हूँ आप मुझे बताइए, इंडिया में भ्रष्टाचार है कि नहीं, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इंडिया में बेरोजगारी है कि नहीं, इंडिया में महंगाई है कि नहीं, इंडिया में घपले, इंडिया के नेताओं में घपलेबाजी है कि नहीं, जरा विपक्ष से ये 5-6 सवालों के जवाब ले लीजिएगा, और जिस दिन वो जवाब दे देंगे उस दिन मैं कायल हो जाऊंगा। पूछिए ना विपक्ष से, इंडिया में भ्रष्टाचार है कि नहीं मुझे बताइए, इंडिया के नेताओं में भ्रष्टाचारी है? विपक्ष से क्या पूछना, वो जो जितने भ्रष्टाचारी हैं एक बहुत बढ़िया मशीन है, उसमें जब जाते हैं घुस जाते हैं फर्स्ट क्लास एंड घुल के बाहर आते हैं। B.I.A से पूछ रहा हूँ, इंडिया के नेता भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं मुझे बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष के अंदर हिम्मत हो तो बोले कि इंडिया के नेता भ्रष्ट है, वो मुझे बोल के दिखाए। नहीं नहीं, बोल के क्या दिखाए, वो तो मानते हैं। विपक्ष जब बोलेगा तो वो कुछ इस तरह से बोलेगा कि इंडिया है तो भ्रष्टाचार मिटा के रहेगा, नहीं नहीं इंडिया है तो गरीबी मिटा के रहेगा, बीजेपी मैनेज नहीं कर पा रही है। बीजेपी को तो सवाल पूछना चाहिए, बीजेपी बैकफुट पे इसीलिए है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रेन बस्ट में, ब्रेन बस्ट में दो, ब्रेन बस्ट में दोनों इकट्ठे नहीं बोलते प्रेम जी अकेले। कैंपेन कैसे, ये क्या मुद्दे बनाएंगे कि इंडिया में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, इंडिया में हम भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ेंगे, मैं तो देखूंगा ये अपने मुद्दों को। जब से इंडिया बना है तब से इन्होंने बेरोजगारी भ्रष्टाचार महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया। नहीं नहीं नहीं, वो रोज उठाते हैं, रोज उठाते हैं, क्या बात करते हैं। मैं 10 टीवी रोज देखता हूँ, वो रोज उठाते हैं। प्रेम जी आप बोलिए। अच्छा प्रेम जी आप बोलिए। यही संघर्ष है, बल्कि इंडिया नाम जिसने रखा है उनको अपने खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है, इंडिया नाम रख जो जिन्होंने रखा उनके खिलाफ बीजेपी बोलेगी। मिश्रा जी प्लीज एक सेकंड। हाँ जी, और जब बीजेपी बोलेगी तो निश्चित रूप से वो सारी बातें उस तरीके से बोलेंगी जैसे मिश्रा जी बोल रहे हैं। तो यही तो प्रश्न है कि आप महंगाई बेरोजगारी जितने निगेटिव चीज है अपनी सरकार की उनको आप विपक्ष को कोसने के नाम पर सामने लाएंगे, ये तो स्ट्रेटेजिकली किसका सक्सेस रहेगा मुझे बताइए। इंडिया में भ्रष्टाचार है इस मुद्दे पर लड़ेगा, इंडिया में महंगाई है इस मुद्दे पर लड़ेगा, मिश्रा जी इंडिया में बेरोजगारी है किस मुद्दे पर। मिश्रा जी मुझे पता है आप बहुत आज बहुत आप मतलब मुझे ये सवालों के जवाब मिलेंगे विपक्षी देगा, विपक्षी उठाएगा, विपक्षी देगा। आप जरा आप प्लीज चुप रहिए, जरा प्रेम जी को बोलने दीजिए। देखिए ये जो संगठन बना, पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बेंगलुरु में हुई और तीसरी मुंबई में होगी, तो अभी तक वो मुद्दे जो मिश्रा जी खोज रहे हैं वो मुद्दे वास्तव में तय नहीं हुए हैं।
ये अगली बैठक में तय होंगे, हो सकता है कि अगली बैठक में संयोजन तय हो, मुद्दे और बाद में तय हो, ये संभव है। लेकिन इंडिया में जिन एब्रीविएशंस का इस्तेमाल हुआ है वो आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल में चुनौती देते हुए है। ये भारतीय जनता पार्टी के समांतर एक वैचारिक आधार खड़ा कर दिया है इन्होंने, तो ये विपक्ष का। लेकिन मुद्दे आप सही कह रहे हैं कि मुद्दे अभी तय नहीं हुए, मुद्दे तय होंगे, पर मैं तो ऐसा नहीं कि अभी तुरंत चुनाव हो रहे हैं। अच्छा ये मिश्रा जी, आप बोलेंगे, आप बोल रहे हैं, वो उनको खत्म कर लेने दो, ये बोलने दिया जाए जी, कोई बात। हाँ जी मिश्रा जी, देखिए मिश्रा जी, देखो इलेक्शन आने वाले हैं, मुझे ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में आपको लगता है कि अगर बॉम्बे की मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर बॉम्बे में मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और बाकायदा एक फॉर्मेट बन जाता है, डू यू थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग? वर्ड इज सिंपल, विल इट बी इंटरेस्टिंग? डेफिनेटली इट विल बी इंटरेस्टिंग, और मेरी तो शुभकामनाएं विपक्ष को है कि आप इंडिया के नाम से पार्टी बनाइए और लड़िए। सवाल मेरा यही है, प्रेम कुमार जी ने जो डाइल्यूट कर दिया, 10 साल तक चिल्लाते रहे इंडिया में करप्शन है, इंडिया में भ्रष्टाचार है, इंडिया में महंगाई है, इंडिया में बेरोजगारी है, अब जब चुनाव आया तो ये सारे मुद्दे ही नहीं होंगे। अब मुद्दे एकदम नए बनेंगे। मुद्दे कैसे बनेंगे? मुद्दे ये बनेंगे कि भाई हम विकास, जो बीजेपी जो हम विकास पे ले जाएंगे, हम सहभागिता पे। 10 साल जिन मुद्दों को ये विपक्ष चिल्लाता रहा कि इंडिया में करप्शन है, इंडिया में भ्रष्टाचार है, इंडिया में लूट है, इंडिया में अन्याय है, अब विपक्ष बोल के दिखाए मुझे, और इंडिया देश का नाम। आप ना, मेरे ख्याल आप एक ही टीवी देखते हो, मैं कम से कम 6 टीवी देखता हूँ सुबह 2 घंटे में, 15-15 मिनट तकरीबन। हर अपोजिशन लीडर जो है वो करप्शन की बात कर रहा है, हर अपोजिशन लीडर जो है वो बकायदा महंगाई की बात कर रहा है। अभी मैं तो आज सुबह की बात कर रहा हूँ, आज सुबह की बात कर रहा हूँ, वो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो सब ये बातें कर रहे हैं, वो बातें नहीं खत्म हो जा रही। वाले तो इंडिया का नाम नहीं ले पाएंगे, इंडिया का नाम वो तो ना लें, बल्कि बल्कि ये नाम नहीं ले सकेंगे बीजेपी वाले। यही बोल रहा हूँ, देखिए ये जो मैंने विचार रखे हैं, जो क्वेश्चन किसी टीवी मीडिया नेता होता पक्ष विपक्ष के नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ विपक्ष वाले बोल के दिखाएं कि इंडिया में महंगाई है और हम चुनाव में महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, इंडिया से महंगाई को, इंडिया के करप्शन को हम मुद्दा बनाएंगे। अब बोल के विपक्ष ने अपने अपने जवान पे ताला लगा दिया है, इसीलिए मैंने बोला कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन्होंने ले लिया है। पता नहीं आप कौन से विपक्ष में, आप कौन से टीवी देखते हो, मैंने तो आज सुबह जितने टीवी देखे, मैंने आज सुबह टीवी नहीं, इंडिया लफ्ज चाहे, देखिए इंडिया लफ्ज चाहे वो यूज करें ना करें, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि जो हमारा इंडिया ग्रुप बना है, हम महंगाई के अगेंस्ट लड़ेंगे। मैंने बीजेपी की बुराई की, मैंने बोला ना कि हाँ भाई बीजेपी बैकफुट पे है, मैनेज नहीं कर पाई, तो मैं विपक्ष को भी मैं बोल रहा हूँ भाई आप नाम लेके दिखाओ कि इंडिया में करप्शन है, और इंडिया में करप्शन है ये मेरा मुद्दा है। वो यही कह रहे हैं कि जो इंडिया बन, जो हमारा ग्रुप बना है, ये महंगाई के अगेंस्ट लड़ेगा, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट लड़ेगा। इनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या तो ये पूरा नाम लेंगे i.n.d.i. नहीं नहीं ये बोल जाइए, पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता जैसे आप बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट। प्रेम जी आखिर में आप हिंदुस्तान के जो आखिर में जो हिंदुस्तान की मिश्रा जी आखिरी सवाल, टाइम बहुत कम है, ये जो शरद पवार हैं जी, ये क्या कर रहे हैं? चाचा भतीजा के साथ लंच भी खा रहे हैं, डिनर भी खा रहे हैं, सारी मिनिस्ट्री के साथ भी लंच डिनर खा रहे हैं। राजनीतिक वानप्रस्थ की उन्होंने तैयारी कर ली है, और 2024 का इलेक्शन मेरे ख्याल से उनका लास्ट होगा, एज फैक्टर भी है, और जिस हिसाब से राजनीतिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं, ठीक है, इन केस अगर अपोजिशन की आ गई, मान लीजिए कांग्रेस वगैरह जीत गए, तब तो उनका सर्वाइवल हो जाएगा, रिवाइवल हो जाएगा, अदरवाइज अब वो राजनीतिक वनवास की तरफ चले गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे, इतनी परिस्थितियां बिगड़ गई हैं कि उसको बनाना बहुत मुश्किल होगा। लास्ट कमेंट्स अबाउट इंडियन न्यू पॉलिटिकल सिनेरियो। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड पर्टिकुलरली आई वॉज वेटिंग सम सच काइंड ऑफ द सिचुएशन, जहां पे दो ग्रुप क्लियर कट हो जाए तो वहां मुकाबला
बहुत फेयर कॉम्पिटिशन होता है। मैं तो बोलता हूँ कि पक्ष और विपक्ष जो दो ग्रुप बने हैं ना, इसी पे चुनाव हो। मल्टीपोलर कई ग्रुप लड़ते हैं तो वहां पे फिर बहुत कंफ्यूजिंग वो हो जाता है। अब की बार अगर केवल दो ग्रुप लड़ते हैं ना तो जनता कंफ्यूज नहीं होगी और क्लियर कट जनता चुनेगी, जिसको भी चुनेगी। तो मैं बोलता हूँ एक बार इसी मुद्दे पे हो जाए कि केवल दो ग्रुप लड़ेंगे जी आप दोनों।